दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ा स्मार्टफोन को लेके इशू रहता है वो है बैटरी का, क्योंकि बैटरी बहुत ही जल्दी खर्च हो जाती है। और इस टाइम पे जहाँ सारे काम आपके मोबाइल के थ्रू होते हैं, तो अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हमें किसी ने जकड़ लिया हो, किसी ने बांध लिया हो, तो ऐसे हमारे काम भी रुक जाते हैं। इसी वजह से हमें जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं उन पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, हमें पावर बैंक खरीदना पड़ जाता है, क्विक चार्जर खरीदना पड़ जाता है, तब भी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पाती। बाकी जो कंपनियां भी हैं वो भी फोकस करती हैं कि कंज्यूमर ये जो कठिनाई है इसको सॉल्व किया जा सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 mAh की पावर के साथ या 5000 mAh की पावर के साथ फ़ोन भी लॉन्च कर रही हैं। अभी रिसेंटली 13000 mAh पावर के साथ भी एक फ़ोन आया था, लेकिन तब भी हमारी जो ड्रेनिंग बैटरी है वो इश्यू अब बरकरार है। तो दोस्तों आज हम यही बात करेंगे कौन सी वो 7 गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं जिसके वजह से जो मोबाइल की बैटरी है वो जल्दी कंज्यूम होती है, और हमारी जो बैटरी है वो जल्दी खर्च हो जाती है और आपको चार्जर ढूंढना पड़ जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोन जायसवाल, आप देख रहे हो शुभलॉजी, बने रहिए मेरे साथ। तो टिप नंबर 1, वाइब्रेशन को ऑफ करना। दोस्तों हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो नेविगेशन बटन्स होते हैं उसमें अपना वाइब्रेशन ऑन करके रखते हैं। इससे क्या होता है, जब भी आप नेविगेशन बटन टैप करते हो तो वाइब्रेशन भी ऑन होता है। अब दोस्तों वाइब्रेशन कुछ नहीं, आपकी बैटरी कंज्यूम करता है, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन आपके मोबाइल में वर्क कर रहा है तो उसके पीछे बैटरी भी खर्च होगी। तो वाइब्रेशन अगर आप करते हो ऑन, तो इससे क्या होता है, जितनी बार आप नेविगेशन की प्रेस करोगे उतनी बार वाइब्रेशन ऑन रहेगी और आपकी बैटरी उतनी बार कंज्यूम होती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीबोर्ड जो होते हैं मोबाइल में यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए टक टक का साउंड होते हैं। अब चाहे वाइब्रेशन हो या फिर साउंड हो, उसके लिए बैटरी कंज्यूम होती है, तो आप कीबोर्ड की जो साउंड है उसको भी बंद कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। टिप नंबर 2 दोस्तों एक्चुअल में अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं वो फुल HD स्क्रीन के साथ या आ रहे हैं या फिर OLED स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि इसमें PPI यानी पिक्सल पर इंच बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि आपको कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में और उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में और जो कलर है उन्हें और वाइब्रेंट दिखाने के चक्कर में जो PPI बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि हर पिक्सल को चलने के लिए बैटरी की बहुत ज़्यादा क्षमता चाहिए होती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है। तो इससे ये दोस्तों आप कर सकते हो कि जो आप वॉलपेपर लगाते हो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर के ना लगाइए, आप चाहें तो कोई ब्लैक कलर का वॉलपेपर लगा सकते हो, जिससे कि पिक्सल्स को जलने की ज़्यादा नौबत नहीं आएगी और बैटरी कम कंज्यूम करेंगे वो। ब्लैक कलर जो होता है दोस्तों वो OLED स्क्रीन हो या फिर फुल HD स्क्रीन हो, वो सबसे कम PPI यूज़ करता है। इसी वजह से आप ब्लैक कलर की स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप सॉलिड कलर ब्लैक लगा सकते हो, जिससे कि आपकी कम PPI यूज़ करें और आपकी बैटरी कम कंज्यूम हो। तीसरी टिप दोस्तों ये है कि आप लोग लोकेशन जो है बेवजह ऑन ना करें, जिससे कि आपका जो GPS होता है वो कम यूज़ होगा और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। दोस्तों इससे एक और चीज़ अच्छी रहती है, क्योंकि अगर आप लोकेशन बंद कर देते हो तो जो बाकी ऐप्स होते हैं थर्ड पार्टी ऐप, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर कोई आपका व्हाट्सएप वगैरह, वो आपकी जो लोकेशन होता है बार बार आपसे पूछता है, अलाउ करने के लिए पूछता है। इससे क्या होता है कि बार बार वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो लोकेशन आप जब ऑफ कर दोगे तो जो GPS सिस्टम होता है आपके मोबाइल का वो रुक जाएगा और आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी। टिप नंबर 4 दोस्तों हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो भी जो बड़े ऐप्स जैसे फेसबुक है या फिर ट्विटर है, उनके जो मेजर ऐप्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक का ब्लू वर्जन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हैवी ऐप होता है, लगभग 350 MB या 500 MB का होता है, वो सारे फीचर्स जितने फेसबुक के फीचर्स सभी यूज़ करता है, चाहे वो लोकेशन हो या फिर आपका जो भी, और रिसेंटली आपने लोकेशन देखा होगा कि फेसबुक में लोकेशन पूछा जाता है, जिससे कि नियर बाय जितने भी आपके फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं आपको दिख जाते हैं, तो लोकेशन भी यूज़ करता है, बाकी सारा डेटा वगैरह भी ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि उसमें आपको ऑटोमेटिक वीडियो भी लॉन्च करके देता है, साथ ही साथ आपकी जो इमेजेस इनको भी कंप्रेस नहीं करता और डायरेक्टली ओरिजिनल क्वालिटी में आपको दिखाता है। इससे क्या होता है, फेसबुक के जो ओरिजिनल ऐप्स हैं वो ज़्यादातर आपका डेटा और बैटरी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह आप दोस्तों ये कर सकते हो, या तो आप फेसबुक का मोबाइल वर्जन, जो वेबसाइट मोबाइल वर्जन है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको सिक्योरिटी से लेकर अगर कोई चिंता है तो आप फेसबुक का लाइट वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। जितनी मेजर कंपनीज हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर लिंक्डइन हो, वैसे इंस्टाग्राम का लाइट वर्जन नहीं आता लेकिन लिंक्डइन का भी लाइट वर्जन आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जो टिप नंबर 5 डेटा सिंक। दोस्तों हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो डेटा जो होता है वो सिंक ऑन रहने देते हैं। इससे क्या होता है, जब भी आप कभी डेटा ऑन करते हो, इंटरनेट डेटा ऑन करते हो, तो जितने भी आपका डेटा फाइल रिसोर्सेज है वो अपने आप सिंक होता रहता है, और आपके जो भी आपने ड्राइव में अगर सिंक कर रहे हो वहाँ पर, या फिर गूगल के किसी और अकाउंट में, या कोई अगर और तीसरे थर्ड पार्टी आप कोई डाटा सिंक या क्लाउड सर्विस यूज़ करते हो तो उस पर जाता रहता है। इससे क्या होता है कि आपकी बैटरी पे असर ज़्यादा करता है, बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है। तो अगर आप चाहो तो डेटा सिंक को आप ऑफ कर सकते हो,
जिससे कि आपकी बैटरी कंजप्शन कम हो जाएगा। टिप नंबर 6, ब्राइटनेस। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ब्राइटनेस हमेशा फुल करके रखते हैं, इससे कभी अंधेरे में होंगे तब भी ब्राइटनेस वैल्यू उतनी रहेगी, और कभी उजाले में यानी कि यानी दोपहर के टाइम सनलाइट में होंगे तब भी हमारी जो ब्राइटनेस होगी स्क्रीन की वो भी वैसी रहेगी। मान लीजिए आप दिन में गए, आपको कम दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो क्या करते हो आप ब्राइटनेस पूरी फुल कर देते हो, तब वहाँ पे तो आपका डे ठीक रहता है, लेकिन अगर घर के अंदर हो, इंडोर हो, तो क्या होता है ब्राइटनेस फुल होने की वजह से बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस नाम का एक फीचर होता है एंड्रॉयड मोबाइल में, iOS मोबाइल में भी होता है, एप्पल के मोबाइल्स में, तो आप उसे ऑन कर सकते हो। वो सेंसर वाइज आपकी जितनी भी आपके रिसेंट आपके पास में जितनी भी लाइट होगी, चाहे वो सनलाइट हो या फिर इंडोर लाइट हो, उसके हिसाब से आपकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली वो रन करेगा, इससे आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। 7th टिप दोस्तों ये है कि अगर आप रात में सो रहे हो तो मोबाइल जो होता है सिग्नल्स के लिए बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, जैसे कि आपके जो सेलुलर जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स के लिए बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो अगर आप रात में सो रहे हो और आपको पता है कि आपके कोई भी कॉल या SMS वगैरह नहीं आने वाले, तो आप एरोप्लेन मोड को ऑन कर सकते हो, इससे क्या होगा कि फ़ोन आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको आना बंद कर देगा, उनको कंजप्शन कम कर देगा उनकी, इससे कि आपकी बैटरी कंजप्शन भी कम हो जाएगी और आपकी बैटरी एक्सपेंड हो सकती है। दोस्तों तो ये 7 टिप थी जिनकी वजह से आप बैटरी अपनी एक्सपेंड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपने काम की वीडियोस देखना चाहते हो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अगर यहां पर हो तो आप मुझसे वहां पर भी मिल सकते हो और मुझे अपने क्वेश्चंस बता सकते हो। आपकी रात्रि आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।